हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। गाइस देखो, आज की इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी। ये शुरुआत में आपको इसलिए क्लियर कर दे रहे हैं ये बात कि इस वीडियो में आपको हम ऐसी बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी बताने वाले हैं, खासकर जो 43 इंच से लेकर के 75 इंच तक आएगी, या फिर कोई कोई टीवी 85 इंच तक भी आपको मिल जाएगी। अब बात यह है, जुलाई 2024 मतलब कि अब सेल का समय स्टार्ट होने वाला है और नॉर्मल जाता है, और कई सारे ब्रांड्स ने अपने नई नई टीवियां लॉन्च कर दी हैं। उनके पुरानी टीवी लेनी चाहिए कि उनके नई वाली टीवी लेनी चाहिए, साथ साथ में एक ही ब्रांड के एक ही प्राइस रेंज में काफी सारे मॉडल्स हैं। मतलब कि मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल आपको 43 इंच की टीवी लेनी है तो एक्स वाई जेड ब्रांड का एक ही प्राइस, मान लीजिए 30,000 रुपीज में एक ही ब्रांड के कई सारे मॉडल्स हैं, क्या वो मॉडल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये बहुत सारी बड़ी कंफ्यूजन है। दूसरी बात ये कि यार अगर आप कोई गलत मॉडल ले आते हो अपने घर पे तो आपको टीवी अगले 7-8 साल या फिर 10 साल तक आप यूज करने वाले हो, तो ऐसी गलती आप मत करो। तो मैं आपका दोस्त उत्कर्ष पांडे आपको अपनी वीडियो में बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी बताने वाला हूं, जो मैंने पिछले 2-3 महीने से खुद ट्राइड एंड टेस्टेड सारी की सारी टीवी करी है, फिर आपको सबके बारे में सबको ट्रू रिव्यू देगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बॉस। ऐसी बेस्ट टीवी बताऊंगा जो हर एक मामले में अच्छी हो, जैसे कि उसकी कलर क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, प्लस में उसकी साउंड क्वालिटी, उसकी पिक्चर ट्यूनिंग, उसके प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ, और सबसे बड़ी चीज जो आखिरी होती है वो थी इसकी सर्विसिंग। सर्विसिंग में इस चीज पे सबसे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं गाइस क्योंकि कल को आपकी टीवी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हर टीवी आपको मिनिमम 1 ईयर की वारंटी तो देती है, बट वो 1 ईयर की वारंटी आपको कितनी जल्दी आपको दे पा रही, मतलब कि आपने आज कंप्लेन करी तो अगले 24-48 आवर्स के अंदर अंदर वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। इसके लिए हमने मतलब अलग अलग शहर से नाम बोल बोल के उनको कॉल किया और पता किया कि वो कितनी जल्दी सर्विसिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज का नाम लिया और साथ साथ में अलग अलग शहरों अलग अलग राज्यों का नाम लिया, तो पता किया कि ये ब्रांड उस राज्य में कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। इस मामले में सब कुछ कंपाइल करके आपको बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी बताने वाले हैं, जिस टीवी में किसी भी मामले में चाहे वो सर्विसिंग हो, चाहे पिक्चर ट्यूनिंग, चाहे साउंड क्वालिटी, किसी भी मामले में जरा सी भी कमी थी हमने अपने लिस्ट से उसको हटा दिया हो, भले ही उसमें डिस्काउंट ऑफर बहुत ज्यादा मिला, क्योंकि अगर जरा सी भी कमी होगी तो आपको पता है अगले 10 साल तक आपको वो चीज कैरी करनी पड़ेगी। इसीलिए आपके चेहरे पर स्माइल बने रहे इसलिए आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जब इतनी बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, पिछले 3 महीने से हम लगे हुए हैं इस लिस्ट को बनाने में, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को जाकर के अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें हौसला मिलता है और ज्यादा मिलता है कि मतलब कि यार आपके लिए कितना ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो पाए जिससे आपके 1 रुपए भी बर्बाद ना हो पाए। पूरे YouTube में ऐसी वीडियो आपको कोई और नहीं दे पाएगा, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मेरा चैनल भी आगे बढ़े, हमें भी हौसला मिले और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो ला पाए, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हां तो गाइस, बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी 43 इंच टू 75 इंच। अब बात करी जाए, कोई भी अगर आपको स्मार्ट टीवी खरीदनी है तो आप वो या तो अमेजन खरीदो चाहे आप फ्लिपकार्ट खरीदो, सबकी जो बेस्ट बाइंग या फिर डिस्काउंटेड लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर आप खरीद सकते हो किसी भी साइज के लिंक हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्लीज मेरी दी हुई लिंक से अपनी परचेज को पूरा करिए, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको क्लियर किया था ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसीलिए प्लीज बाय फ्रॉम माय लिंक, क्योंकि उस जब आप मेरी दी हुई लिंक से खरीदते हो हमें कुछ छोटा सा पैनी अमाउंट मिल जाता है आपकी तरफ से, उस पैसे को इकट्ठा करके हम टीवी खरीदते हैं, अनबॉक्स करते हैं, उसके बारे में रिव्यू करते हैं, आपको सब कुछ सच बता पाते हैं बिना किसी ब्रांड के दबाव में आए बिना। इसीलिए आप प्लीज मेरी दी हुई लिंक से ही अपनी परचेज को पूरा करिएगा, इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा आपकी तरफ, इसलिए प्लीज बाय फ्रॉम माय लिंक कीजिए ना डिस्क्रिप्शन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो गाइस, बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी में आपको हम 3 सेगमेंट में इस वीडियो को बांटेंगे। सबसे पहले आपको बजट सेगमेंट, फिर मिड सेगमेंट, फिर थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट को बताएंगे, और जितनी भी मैं आपको टीवी बताने वाला हूँ सारी की सारी 1 लाख के अंदर ही बताने वाला हूँ, मतलब कि बजट रेंज से लेकर के 1 लाख के अंदर अंदर की टीवी, कोई भी प्रीमियम टीवी नहीं बताने वाला, तो एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपने ये वाली टीवी को नहीं बताई, वाली टीवी को मत बताई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात बात जाए तो जितनी भी मैं आपको टीवी बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं बजट सेगमेंट की बात करने वाला हूँ। तो चलिए बजट सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले बजट सेगमेंट में आपके लिए मैंने 2 टीवी यहां पे चुनी हुई है जो सबसे ज्यादा बेहतरीन है इस प्राइस रेंज में। सबसे पहली टीवी है एसर एडवांस आई सीरीज, दूसरी टीवी आपको बताना चाहूंगा हाईसेंस E6N। अब बात कीजिए दोनों टीवी की, तो दोनों ही आपको एंड्रॉइड गूगल टीवी मिल जाती है प्रेजेंट टाइम में। अब एंड्रॉइड गूगल टीवी की बात की तो सबसे पहले आपको हम एसर टीवी के बारे में बताया जाए, तो ये एसर जो टीवी है आपकी 43 इंच से लेकर के ये टीवी आपको अप टू 75 इंच तक काफी बड़े साइज तक में ये टीवी आपको मिल जाती है, और प्राइसिंग सबकी काफी ज्यादा अच्छी, जो कि प्राइसिंग आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, जैसे कि आप 43 इंच की टीवी लोगे तो आपको 23,000 या 24,000 रुपीज बहुत अच्छे से मिल जाएगी, कुछ कार्ड से ऑफर लगाते हो या सेल चलेगी तो ये टीवी और भी ज्यादा सस्ती आपके लिए हो सकती है। अगर एसर एडवांस आई सीरीज की और आगे बढ़े बात
रही है, तो इसकी जो कलर पिक्चर क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन थी कि पिछले साल की जो सैमसंग की जो टीवी लॉन्च हुई थी जो है उसके बराबर इसकी कलर पिक्चर क्वालिटी मानी जाती थी। और साथ साथ में इसकी कलर पिक्चर ट्यूनिंग इतनी अच्छी तरीके से एसर ने करी थी कि मतलब किसी भी टीवी में जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है उसकी कलर पिक्चर ट्यूनिंग होती है, वही चीज़ नहीं अच्छी होगी तो आपको फेडेड कलर दिखेंगे, बट इस वाली टीवी में वो चीज़ नहीं थी। हालांकि ये टीवी वीए पैनल के साथ आती है जिसके कारण से आपको कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। आपको पता है वीए पैनल में कलर बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, साथ साथ में ब्लैक्स और भी ज़्यादा परफेक्ट दिखते हैं क्योंकि इस वाली टीवी में वही वीए पैनल आपको मिल रहा है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस वाली टीवी में। बाकी बात की इस वाली टीवी में तो आप इसमें डॉल्बी विजन कंटेंट भी बहुत आराम से दे सकते हो, HDR 10 प्लस के कंटेंट भी बहुत आराम से दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे पिक्चर कोडेक दिए गए हैं। आगे बात की जाए और आगे बढ़ जाए तो इस वाली टीवी में आपको स्पीकर की बात करें तो डॉल्बी एटमस के स्पीकर इनबिल्ट आपको इसमें मिल जाते हैं और अलग से भी आप डॉल्बी एटमस के स्पीकर लगा सकते हो HDMI EARC पोर्ट के थ्रू, और हाँ जिसके अंदर HDMI EARC पोर्ट दिया हुआ है। 30 वॉट के आपको स्पीकर मिल जाते हैं 43 इंच की टीवी में, और उसके ऊपर जैसे ही बढ़ोगे तो 36 वॉट के आपको स्पीकर मिल जाते हैं, और 65 इंच के ऊपर की साइड लगे तो उसमें आपको 40 वॉट के स्पीकर मिल जाते हैं। तो स्पीकर के मामले में तो मेरे को कोई भी कमी नहीं लगती। हाँ, इसके अंदर इनबिल्ट सब बूफर नहीं है, अगर आपको बूफर वाला मजा चाहिए और पूरा मूवी वाला मजा चाहिए तो आपको अलग से साउंड बार सिस्टम खरीदना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। वही बात की जाए इस वाली टीवी और आगे तो इसमें आप गेमिंग कैजुअली कर सकते हो क्योंकि HDMI EARC 2.1 का पोर्ट दिया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि 60 हर्ट्ज का पैनल है तो बहुत हाई फाई नहीं, कैजुअल गेमर हो तो इसके अंदर बहुत आराम से कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो। वही देखिए साउंड क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी के मामले में मेरे को यह टीवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बाकी अगर ऑलराउंड बोले तो इस वाली टीवी को इसीलिए हमने अपनी लिस्ट में चुना है क्योंकि जो प्राइस रेंज में वाली टीवी आ रही है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है, खरीदोगे तो आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल बनी रहेगी और सर्विसिंग भी इस वाली टीवी की काफी ज्यादा बेस्ट मुझे लगती है। खरीदना चाहते हो अगर इस वाली टीवी की जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसको खरीद सकते हो। हाँ तो गाइस भाई जो अगली टीवी आपको बताने वाले हैं बजट सेगमेंट में वो है हाइसेंस E6N, ये एक एंड्रॉयड गूगल टीवी है। और बात की जाए इस वाली टीवी की तो ये काफी ज्यादा अच्छी टीवी है, खासकर कलर के मामले में, अगर आपको कलर एक्यूरेसी काफी ज्यादा पसंद है, साथ साथ में आपको 4K आप स्केलिंग भी चाहिए एक बहुत बढ़िया प्राइस रेंज में, तो ये वाली टीवी आपके लिए वहां पे मिलती है आपको। ये वाली टीवी की बात करें तो करंट टाइम इसकी जो प्राइसिंग आपको मिल रही है मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रही होगी, जैसे कि 43 इंच की टीवी लेते हो तो लगभग आपको 26,000 रुपीज की मिल जाएगी, 1-2,000 रुपये ऊपर नीचे होती रहती है। 55 इंच की टीवी 35,000 रुपीज में मिल जाएगी आपको इस वाली टीवी में, और 65 इंच की टीवी आपको 55,000 रुपीज की मिल जाएगी। वही बात की जाए अगर हाइसेंस E6N की तो एक एंड्रॉइड गूगल टीवी है और साथ साथ में इसमें आपको कनेक्टिविटी फीचर्स भी सारे के सारे मिल रहे हैं, जैसे कि HDMI EARC पोर्ट, HDMI 2.1 का भी पोर्ट भी है, HDMI के 3 टोटल पोर्ट दिए गए हैं, USB के 2 पोर्ट दिए गए हैं, ऑप्टिकल केबल, इनबिल्ट पोर्ट, सब कुछ है। वही बात की जाए आगे तो पिक्चर कोडेक में तो आपको इस वाली टीवी में डॉल्बी विजन मिल जाता है और साथ साथ में डॉल्बी ऑडियो मिलता है स्पीकर के मामले में, और DTS:X वर्चुअल सराउंड साउंड भी इस वाली टीवी में मिलता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। वही ऑल टोटल आपको 24 वॉट के स्पीकर आपको इसमें मिल जाते हैं चाहे किसी भी साइज की टीवी लो। वही पिक्चर में आपको डॉल्बी विजन HDR 10 ये सब चीज़ें मिल जाती है। अब चलिए मेन टीवी की पिक्चर क्वालिटी की बात की है तो यार सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपको जो कलर पिक्चर ट्यूनिंग है उसको बहुत अच्छी तरीके से कैलिब्रेट किया गया है, एक एक प्रिसाइज किया गया है कि कलर को, मतलब अगर रेड है तो उसी तरीके से उसका रेड का कलर दिखाई दे इस तरीके से, मतलब यह टीवी काफ़ी मतलब 90% के ऊपर कलर एक्यूरेसी ले आती जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, वो भी इस प्राइस रेंज में। इस प्राइस रेंज में मेरे को इतनी अच्छी कलर एक्यूरेसी नहीं मिलती, साथ साथ में ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 300 nits के ऊपर की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है इस वाली टीवी में, जिसके कारण से आपको कलर बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। HDR 10 का जब कंटेंट देखते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजा आता है इस वाली टीवी में। वही डॉल्बी विजन में भी क्योंकि ब्राइटनेस अच्छी है तो डॉल्बी विजन में भी आप जब नेटफ्लिक्स पे देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कलर दिखते हैं, ब्राइट कलर दिखते हैं और पंची कलर दिखते हैं इस वाली टीवी में, तो कलर पिक्चर क्वालिटी के मामले में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वही अगर साउंड की बात की तो आपको इसमें 24 वॉट के स्पीकर मिल जाते हैं जो कि 43 इंच की टीवी के लिए तो मैं कहूँगा ठीक है, 43 इंच में कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको, लेकिन जैसे ही आप 55 इंच की टीवी लेते हो तो वहाँ पर 24 वॉट के स्पीकर आपको कम लगेंगे, 30 वॉट तक एक बार ठीक होता, मतलब 55 इंच की टीवी नॉर्मल सी बात है बड़े हॉल के साइज में लगाओगे तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आप अलग से साउंड बार सिस्टम खरीदिए, 65 इंच में तो आपको खरीदना ही खरीदना है। तो साउंड क्वालिटी तो अच्छी है, इनबिल्ट जो है आपको इसके अंदर वूफर नहीं मिलता, प्लेन वॉइस मिलेगी, अच्छी क्रिस्टल क्लियर वॉइस है, कोई भी दिक्कत नहीं है साउंड क्वालिटी मामले में। लेकिन आप अलग से डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर अगर लगाना चाहते हो तो इसके अंदर पिक्चर कोडेक दिया है डॉल्बी एटमॉस का, तो लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे डॉल्बी एटमॉस तो जरूरी नहीं है, डॉल्बी ऑडियो भी लगाओ ना तब भी आपको अच्छी साउंड मिलेगी इस वाली टीवी के अंदर। वही अगर और आगे बात की सॉरी टीवी तो 2GB RAM 16GB का प्रोसेसर आपको इस, नहीं सॉरी 2GB RAM 16GB का स्टोरेज मिल जाता है इस वाली टीवी में और पेन ड्राइव के थ्रू आप स्टोरेज भी बढ़ा सकते हो इस वाली टीवी में, हालांकि उसकी ज़्यादातर जरूरत नहीं पड़ती। वही गूगल टीवी है तो आपको ऐप्स भी अनलिमिटेड मिल जाते हैं, भाई क्रोम कास्ट बिल्टिंग तो यार सारी टीवी मिलने वाला, तो वो तो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, मोबाइल से कनेक्टिविटी हर एक टीवी में कर सकते हो जितनी भी आपको बताएंगे। वही कनेक्टिविटी मैंने आपको सारी कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से है और सबसे जो बड़ी चीज़ है इस वाली टीवी में वो है 4K अप
स्केलिंग, जिसमें हाइसेंस ने एक बार वाकई में बहुत ध्यान दिया। जो 4K अपस्केलिंग अभी तक आपको सैमसंग, सोनी, LG में मिलता था, वो आपको इस बार हाइसेंस की टीवी में मिल रहा है। मतलब कि आप मान लीजिए खाली फुल HD कंटेंट देख रहे हो, तो ये टीवी क्या करेगी, उस फुल HD कंटेंट को उसका रेजोल्यूशन बढ़ाएगी और उसको आपको 4K में दिखाएगी। अब पता भी नहीं कर पाओगे एक समय के लिए 4K कंटेंट देख रहे हो, इस चीज को करने में ये वाली टीवी 90% तक ये चीज कर ले रही है। तो समझ लीजिए आप खाली रिचार्ज खाली फुल HD तक का कराइए या HD तक का कराइए, आप एंजॉय करिए 2K या फिर 4K कंटेंट जो कि ये टीवी महारत हासिल किया है। इस वाली टीवी में खरीदना चाहते हो अगर इस वाली टीवी, इसकी जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर इस वाली टीवी को आप खरीद सकते हो, हाइसेंस E6N। हाँ तो गाइस अब आपको मिड रेंज में टीवी बताएंगे बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी में। अब मिड रेंज में हमने आपके लिए यहाँ पे 3 टीवियां जो हैं चुनी हुई हैं और ये तीनों की टीवियां एक से बढ़कर एक हैं। तीनों टीवियों का मतलब अलग अलग है, तो ध्यान से सुनिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे जो पहली टीवी आपको बताने वाले हैं वो है एसर वी सीरीज क्यूलेट टीवी, दूसरी टीवी आपको बताने हैं शाओमी टीवी एक्स प्रो और तीसरी है सैमसंग क्रिस्टल विविड टीवी जो कि 2024 मॉडल है। अब इन तीन टीवियों को मैंने मिड रेंज चुना है और ध्यान रखिएगा मैं मिड रेंज चुनता किस हिसाब से हूँ, मतलब जैसे कि बजट रेंज, मिड रेंज और प्रीमियम रेंज में चुनता हूँ उनके कलर पिक्चर क्वालिटी के मामले से, ना कि प्राइस रेंज के हिसाब से। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आपकी प्राइस रेंज क्या है, आपको जो भी प्राइस रेंज अच्छा लगे वो तो ठीक है, लेकिन उनकी कलर पिक्चर क्वालिटी ना अच्छी हो, प्राइस उनकी ज़्यादा हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने कलर पिक्चर क्वालिटी और प्राइसिंग को देख करके ही उनको बजट रेंज, मिड रेंज और प्रीमियम रेंज में चुनते हैं, ठीक है। अब मिड रेंज में जो तीन टीवियां हैं, सबसे पहली टीवी आपको बताने वाले हैं वो है एसर वी सीरीज क्यूलेट टीवी। एसर वी सीरीज क्यूलेट टीवी की बात करें तो ये खाली आपको तीन साइज में मिलती है, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच। अब ये तीनों की टीवी जो साइज है ये वी जो है आपको VA पैनल के कलर के साथ आती है, VA पैनल के साथ आती है जो कि जिसमें आपको कलर पिक्चर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी क्योंकि VA पैनल है और डार्क काफी ज्यादा अच्छी दिखेंगे जहां पे डार्क कलर्स होंगे। अब बात करें इस वाली टीवी की, तो ये टीवी आपको जैसे कि प्राइस बताया जाए तो 43 इंच की टीवी आपको लगभग 27,000 या 28,000 की बहुत आराम से मिल जाती है, वही 50 इंच की टीवी और 55 इंच की टीवी जो प्राइस है मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी। वही बात की जाए इस वाली टीवी की आगे बात करें तो ये क्यूलेट पैनल है जिसके कारण से इसमें आपको ब्राइटनेस काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है, अबव 315 nits बहुत आराम से इसमें ब्राइटनेस मिल जाती है आपको, जिसके कारण से आपको इसमें चाहे आप डे लाइट में देखो चाहे नाइट में देखो बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, और एंड्रॉयड गूगल टीवी है तो ऐप्स भी कोई दिक्कत नहीं है। वही पिक्चर कोडे की बात किया तो उसमें आप डॉल्बी विजन, HDR 10 प्लस, HDR 10 सब कुछ देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और वही पिक्चर क्वालिटी की आप बात करी जाए, देखो अगर इस वाली टीवी में आप मूवी देखते हो या फिर आप कोई भी एक्शन फिल्म देखते हो मूवी में, या फिर आप न्यूज़ देख रहे हो, HD चैनल देख रहे हो, HD चैनल देख रहे हो, तो हर एक मामले में इस वाली टीवी में कलर्स बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं आपको, मतलब विविड और पंची कलर्स इनको चाहिए होते हैं ना, बिल्कुल रेड कलर और मतलब जो एक थोड़े से पंचीनेस लेकर के आते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है वाइब्रेंट कलर, वो आपको इस वाली टीवी में मिलने वाले क्योंकि ब्राइटनेस और क्यूलेट टीवी के मारे। वही और आगे बात की जाए तो साउंड के मामले में इस वाली टीवी में आपको 30 वॉट के ऑल राउंड स्पीकर मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस स्पीकर है, हालांकि प्लेन है, इनबिल्ट बूफर नहीं है। बूफर नहीं है तो इसके मामले में आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अगर आपको बेस्ट साउंड बार खरीदना है ना तो बेस्ट साउंड बार की जो लिंक्स होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप खरीद सकते हो। सारे के सारे बेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड साउंड बार है जो कि मैंने चैनल पर खुद अनबॉक्स किए हुए हैं, अंडर 5,000, अंडर 10,000, अंडर 20,000, अंडर 30,000 तक के बेस्ट साउंड बार है, खरीदना चाहते हो तो वहां जाकर के आप खरीद सकते हो बेस्ट साउंड बार। अब चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, तो जो साउंड है इसमें अच्छी है, क्रिस्टल क्लियर साउंड है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और 30 वॉट का ही चाहे 55 इंच का टीवी ले लीजिए वही साउंड बार आपको, मतलब वही साउंड सिस्टम इसके अंदर आपको मिलने वाला है। वही और आगे बात की तो इसमें आपको 2GB की रैम, 16GB का स्टोरेज मिलने वाला है विद गुड प्रोसेसर, और इसमें अंदर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर भी मिल रहा है, क्वाड कोर प्रोसेसर ज़्यादातर टीवी में आपको क्वाड कोर प्रोसेसर ही मिलता है। वही आगे बात की है तो आपको इस वाली टीवी में एंड्रॉइड टीवी है तो ऐप्स अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हो, कनेक्टिविटी मामले में सारी की सारी कनेक्टिविटी है, HDMI पोर्ट 2.1 का पोर्ट मिल रहा है, HDMI ERC के पोर्ट मिल रहा है, 3 HDMI के पोर्ट है, 2 USB के पोर्ट है, ऑप्टिकल केबल और वाईफाई इनबिल्ट डुअल बैंड वाईफाई सब कुछ है। ऑलराउंड देखा जाए तो प्राइसिंग के हिसाब से बहुत बेहतरीन टीवी है, क्यूलेट पैनल मिल रहा है वो भी आपको मात्र 28,000 में, वो भी 43 इंच की टीवी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। वही 55 इंच की टीवी मिलने जाओ तो आपको 42,000 या 43,000 मिल जाएगा जो कि मेरे ख्याल से प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसके हिसाब से कलर पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वही सर्विसिंग भी ऑलराउंड बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे सारी टीवी की। खरीदना चाहते हो अगर एसर वी सीरीज क्यूलेट टीवी की तो इसकी जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर के इसको खरीद सकते हो। हाँ तो गाइस वही मिड रेंज में जो अगली टीवी आपको बताने वाले हैं वो है शाओमी टीवी एक्स प्रो। शाओमी टीवी एक्स प्रो आपको मतलब लगभग थोड़ी सी महंगी मिलेगी, जैसे कि 32,000 या 33,000 की आपको 43 इंच की टीवी मिलेगी, 50 इंच की टीवी खरीदोगे लगभग 42,000 की मिलेगी, वही 55 इंच की टीवी लगभग आपको 47 तक मिल सकती है। अब ये टीवी महंगी है इसके कारण है क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं टीवी में, और फुल्ली लोडेड टीवी है फंक्शन से, और सारे के सारे फंक्शन 100% बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। वही दूसरी चीज़ है कि इस वाली टीवी आपको कलर पिक्चर
जब क्वालिटी मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं जो सोनी टीवी में ना हो, ऑलराउंड टीवी में बोलना चाहूंगा काफी बेहतरीन टीवी है। आइए बताया जाए शाओमी टीवी एक्स प्रो के बारे में। इस वाली टीवी को तो हालांकि मैं पिछले जो है दो साल से मैं खुद यूज कर रहा था, मतलब इसका जो पिछला वर्जन था उसको भी यूज कर रहा था, अगला वर्जन उसको भी यूज कर रहा था, तो इसके बारे में आपको रिव्यू मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बहुत अच्छी तरीके से दे सकता हूँ। वही बात करिए शाओमी टीवी एक्स प्रो की, देखिए इस वाली टीवी के बारे में बताया जाए तो इसमें आपको डॉल्बी विजन IQ भी मिलता है। IQ मतलब होता है जहां पे ब्राइटनेस जितनी चाहिए उतनी ही वहां पे ब्राइटनेस देगा, अपने आप से ऑटोमेटिक ऊपर नीचे कर लेगा। वही बात की इस वाली टीवी में तो HDR 10 प्लस HDR 10 HLG ऐसा कोई भी पिक्चर कोडेक नहीं है जो इस वाली टीवी में आपको ना मिले। वही साउंड के बारे में बात किया जाए तो आपको डॉल्बी एटमस के इनबिल्ट स्पीकर, वही DTXX वर्चुअल सराउंड साउंड भी इस वाली टीवी में आपको मिलता है। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आपको 30 वॉट के स्पीकर मिलते हैं इस वाली टीवी में, 43 इंच की टीवी में। वही 50 या 55 इंच की टीवी लेते हैं जो थोड़े से बड़े साइज में जाते हैं तो वहाँ आपको 40 वॉट के स्पीकर मिल जाते हैं, तो साउंड के मामले में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। वही सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इस वाली टीवी में आपको प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, जिसके कारण से आपको इसमें 4K कलर पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतरीन मिलती है। मतलब इस वाली टीवी में आप मूवी देखोगे ना, आप बिल्कुल फैन हो जाओगे इस वाली टीवी के, मतलब बहुत अच्छे कलर पिक्चर क्वालिटी दिखती है इस वाली टीवी में। एक शब्द में कहूँगा, सिंपल शब्द है, अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी वाली टीवी मिलती है, चाहे आप HD देखो, चाहे 4K देखो, चाहे 2K देखो, चाहे फुल HD देखो, हर एक मामले में बहुत अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी है। भाई साउंड भी आपको इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे मोबाइल के साउंड नहीं होते आजकल, थोड़े से लगते हैं कि हाँ बुकेश साउंड मिलता है, थोड़ा सा बुफरी साउंड मिलता है उस वाली टीवी में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल प्लेन साउंड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड मिलता है। हालांकि वही बात है, बेस्ट साउंड बार अगर सिस्टम खरीदना है, मतलब वो वाला मूवी वाला हॉल वाला सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए आपको साउंड बार सिस्टम खरीदना ही पड़ेगा। वही ऑलराउंड बात की इस वाली टीवी की, तो यार इसमें जो फंक्शंस जैसे कि बताए तो आपको इसके अंदर आपको क्या मिल जाता है, एम्बिएंट मोड मिल जाता है, जैसे कि आपके स्मार्टफोन में होता है, आप जब बाहर जाते हो तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस बढ़ जाती है, घर के अंदर आते हो तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस घट जाती है, तो यही सेम चीज़ आपको इस वाली टीवी में मिलती है। जब आप नाइट में देख रहे हो तो ब्राइटनेस अपने आप से कम हो जाएगी, जब लाइट्स जलाओगे अपने घर में तो ब्राइटनेस अपने आप से बढ़ जाएगी, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। और 350 nits के ऊपर की ब्राइटनेस मिल जाती है इस वाली टीवी में, तो ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस वाली टीवी में। ये एम्बिएंट मोड के साथ साथ आपको इसके अंदर फार फील्ड माइक मिल जाता है, जैसे ओके गूगल असिस्टेंट के साथ, मतलब कि आप डायरेक्टली कमांड दे सकते हो टीवी को, रिमोट किनारे रख दीजिए, आप बस ऐसे बैठिए और डायरेक्टली कमांड दे सकते हो टीवी को, ओके गूगल प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम, ओके गूगल प्लीज ओपन द यूट्यूब, ये सारे कमांड इस वाली टीवी को बहुत आराम से दे सकते हो। वही रिमोट में भी आपको फुल्ली फंक्शनल रिमोट मिल जाता है, हालांकि सारे एंड्रॉइड गूगल टीवी में यही रिमोट मिलते हैं, वही रिमोट आपको इसमें मिल रहा है, लेकिन रिमोट में भी आपको गूगल असिस्टेंट की डेडिकेटेड बटन है, और डेडिकेटेड काफी सारी बटन इसके अंदर भी, जैसे कि नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम, काफी सारी डेडिकेटेड बटन भी आपको इसके अंदर रिमोट में मिल जाती है। तो आपको पता ही चल जाएगा कितनी ज्यादा फंक्शनल टीवी है, और 2GB रैम 16GB स्टोरेज के साथ भी आती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है कनेक्टिविटी के मामले में, सब कुछ है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ है। गेमिंग वेमिंग करना चाहते हो, HDMI EARC 2.1 के पोर्ट, सब कुछ है, तो चिंता मत करो, ऑलराउंड बहुत अच्छी टीवी है। खरीदोगे अगर लाओगे तो हमेशा एक बहुत बेहतरीन फील आएगा आपको, अगले 7-8 साल या 10 साल तक खरीदना चाहते हो तो। लिंक इसकी भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, शाओमी टीवी एक्स प्रो की 43 इंच से लेकर के 55 इंच, लिंक इसी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाँ, तो वही बजट रेंज में जो हमारी आखिरी टीवी है और सबसे बेहतरीन टीवी मैं बोलना चाहूँगा इसको एक तरीके से, वो है सैमसंग क्रिस्टल विविड टीवी। वैसे बात की जाए इस वाली टीवी की, तो इसकी प्राइसिंग मुझे हल्की सी 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा लगती है, इसकी प्राइसिंग कहीं 30 या 31 थाउजेंड होती है, 43 इंच की प्राइसिंग ज़्यादा अच्छी होती है, इसकी प्राइसिंग लगभग आपको 33 थाउजेंड तक मिल जाती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, शुरुआत में ही आपको बताना चाहूँगा इस वाली टीवी के बारे में, अगर आपको ये टीवी 31 थाउजेंड तक मिल जाए तो आप इसको ले लीजिएगा, 31 के ऊपर मत लीजिएगा, थोड़ी सी प्राइसिंग ज़्यादा है। भाई बात की ये तो ये 2024 मॉडल टीवी है, सैमसंग क्रिस्टल विविड टीवी डी सीरीज की टीवी, मतलब डी सीरीज के अंदर ये तीनों टीवी ऐसे लॉन्च करी, जिसमें से एक ये टीवी है। कलर पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, सैमसंग है, आपको पता है VA पैनल के साथ वाली टीवी आती है, तो ब्लैक्स बहुत अच्छे दिखेंगे VA पैनल के मारे, कलर पंची कलर्स बहुत अच्छे दिखेंगे इस वाली टीवी में। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इस वाली टीवी में आपको 4K अप स्केलिंग भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मिल जाती है, मतलब आप HD कंटेंट देखिए, फुल HD कंटेंट देखिए, उसको 4K में कन्वर्ट करके वाली टीवी दिखा सकती है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। आपको इस वाली टीवी में डॉल्बी विजन नहीं मिलता है, शुरुआत में ही बता दे रहे हैं, डॉल्बी एटमस भी नहीं मिलता है, आपको HDR 10 मिलता है, HDR 10 प्लस मिल जाता है, जो कि आप HDR 10 प्लस भी इस वाली टीवी में चलाइए, और पिछली आपको जितनी भी टीवी बताइए उसमें आप डॉल्बी विजन चलाइए, इसके बराबर की आपको कलर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। इस हद तक सैमसंग ने इस टीवी को कैलिब्रेट कर रखा है, जो कि कलर पिक्चर क्वालिटी मेरे को बहुत बेहतरीन लगती है इस वाली टीवी की। वही बात की जाए आगे तो फंक्शन की बात की जाए, तो यार देखो आपको इसके अंदर आपको 20 वॉट के स्पीकर ही मिलते हैं, और स्पीकर आपको सिंपल स्पीकर हैं और बहुत अच्छे क्रिस्टल क्लियर स्पीकर हैं और सिंपल है, लेकिन आप चाहे 65 इंच तक की टीवी ले लो, आपको सेम ही 20 वॉट के स्पीकर मिलने वाले हैं। तो स्पीकर के मामले में तो मतलब सोनी सैमसंग LG तो भूल ही जाइए, आपको स्पीकर ज्यादा मिलने वाले हैं, तो आपको अलग से साउंड वाला सिस्टम खरीदना ही पड़ेगा, मूवी वाला सिस्टम चाहिए तो। वही टीवी आपको 43 इंच 50 55 और 65 मैक्सिमम बड़े साइज में 65 इंच में आ जाती है, प्राइसिंग मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी। और आगे बात की सॉरी टीवी की, तो HDMI EARC पोर्ट, गेमिंग वेमिंग कंसोल सब कुछ लगा सकते हो, 60 हर्ट्ज का ही पैनल है और VA पैनल के साथ आती है वाली टीवी,
सबसे ज्यादा एक और चीज मुझे जो खराब लगती है इस वाली टीवी की, एक चीज खराब लगती है वो आपको शुरुआत बताते थे कि इसमें आपको गूगल असिस्टेंट की डेडिकेटेड बटन नहीं मिलती है रिमोट में, आपको मतलब कि स्मार्ट रिमोट नहीं है, आपको खाली आईआर रिमोट मिलता है टीवी की ओर करना पड़ेगा, और ब्लूटूथ रिमोट मिलता है, अरे ब्लूटूथ रिमोट नहीं मिलता तो आपको टीवी की ओर करना पड़ेगा हर समय में। ये नहीं कि कहीं से भी आप जो है सिग्नल दे सकते हो, टीवी की ओर आईआर रिमोट होता है, टीवी की ओर सिग्नल करके ही टीवी चला सकते हो। ये चीज मुझे थोड़ा ड्रॉबैक लगता है, पता नहीं सैमसंग ऐसा क्यों करती है यार, लेकिन हाँ ये ड्रॉबैक है, काफी बड़ा ड्रॉबैक है। बाकी ब्राइटनेस ऑर्डनेस काफी ज्यादा अच्छी वाली टीवी की, ऑलराउंड बोला जाए तो वाली टीवी दिखाकर आपको कलर पिक्चर क्वालिटी के लिए वाली टीवी मैंने इस लिस्ट में चुना हुआ है। मूवीज वाले हैं उनको खाली मूवी देखनी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म सब कुछ करना है, मजा करना है तो ले सकते हो। और वही ये टीवी आपको टाइसन ओएस के साथ आती है जो कि सैमसंग का खुद का ओएस है, जिसके मारे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये गूगल ओएस नहीं है, एंड्रॉइड ओएस नहीं है, टाइसन ओएस है। तो ऐप्स तो सारे के सारे आप इस वाली टीवी में डाउनलोड कर सकते हो, सारे के सारे ओटीटी ऐप्स मिल जाएंगे। और ध्यान रखें कि टाइसन ओएस कोई खराब ओएस नहीं है, सैमसंग अपने 10-12 लाख की टीवी में भी यही सेम ओएस रखता है, तो ये चिंता मत करिएगा। बाकी ऑलराउंड ये टीवी बहुत अच्छी है कलर पिक्चर क्वालिटी के मामले में, और मतलब प्रोसेसर भी काफी ज्यादा अच्छा है सोनी टीवी में। खरीदना चाहते हो सोनी टीवी को, इसकी जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर के सोनी टीवी को आप खरीद सकते हो। हाँ तो गाइस, अब अपने प्रीमियम सेगमेंट की टीवी की बात कीजिए। प्रीमियम सेगमेंट की टीवी में खासकर आपको सारी की सारी टीवी खासकर कलर पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के मामले में बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिलने वाली है। इसमें अभी हमने आपके लिए 3 टीवियाँ हैं सेलेक्ट की हुई हैं। सबसे पहली टीवी है LG UR7500, दूसरी है Hisense Q6N QLED टीवी, और तीसरी टीवी है Samsung Crystal Vivid Pro टीवी जो कि 2024 मॉडल टीवी है। अब इन 3 टीवियों के बारे में बताया जाए आपको, तो ये तीनों की टीवी एक से बढ़कर एक टीवी है। तो सबसे पहले आपको LG की टीवी बताएंगे, LG UR7500। ये 2023 मॉडल की टीवी है, और लेकिन 2023 मॉडल होने के बावजूद आपको पता है LG कितनी अच्छी प्रोसेसर लगाता है, कितनी अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी देता है कि उसके बराबर आज तक यार मतलब कोई भी दूसरी टीवी आ नहीं पा रही है। ये सबसे बड़ी चीज खासकर उनके लिए खुशखबरी जिनको IPS पैनल की टीवी चाहिए, क्योंकि IPS पैनल की टीवी में क्या होता है आपको कलर पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी मिलती ही है, साथ साथ में व्यूइंग एंगल्स काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। मतलब कि सामने से देख रहे हो, चाहे आप साइड से बैठ के देखो, सामने टीवी रखी चाहे इधर से बैठ के देखो, आपको कलर फेडेड नहीं होंगे। आपको VA पैनल में सामने से बैठ के देखना पड़ता है, लेकिन IPS पैनल में आप साइड से भी बैठ के बहुत आराम से देख सकते हो। तो वैसे सॉरी टीवी के बारे में बात करें तो ये टीवी आपको जो है 4 साइज मिल जाएगी, 43 इंच, 50, 55 और 65 इंच, और ये IPS पैनल टीवी से आती है। जैसे मैंने शुरुआत बताया, इसकी प्राइसिंग आपको लगभग 30,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है 43 इंच की टीवी की। वही 50 इंच की टीवी आपको लगभग 42,000 की मिल जाएगी, 55 इंच की टीवी 48, और 65 इंच टीवी लगभग आपको 65,000 की मिल जाएगी। अब इस वाली टीवी की बात करें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सॉरी टीवी में आपको HDR10+ HDR10 पिक्चर कोडेक मिल जाता है सोनी टीवी में। ब्राइटनेस भी आपको काफी ज्यादा अच्छी मिलती है, किसी भी कलर टीवी से बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिलती है सोनी टीवी में। वही साथ साथ बात की आगे सोनी टीवी के बारे में, तो यार ये वेब ओएस के साथ वाली टीवी आती है जो कि LG का खुद का ओएस है। जैसे कि सैमसंग का खुद का टाइसन ओएस है, वैसे LG का खुद का वेब ओएस है। और ध्यान रखिएगा LG का जो वेब ओएस है वो काफी सारा लाइट ओएस है। लाइट ओएस के मारे ये ओएस बहुत अच्छी तरीके से चलता है। मतलब कि यार एक होते ना ऐसे भारी भरकम ओएस बना देते हैं जो कंपनियां होती है अच्छे से नहीं बना पाती हैं जो सॉफ्टवेयर को, तो प्रोसेसर उनको झेल पता, लेकिन LG ने इतने अच्छी तरीके से इस OS को बनाया है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस वाली टीवी को चलाते समय। सारे OTT प्लेटफॉर्म के ऐप्स आपको इस वाली टीवी में मिलने वाले हैं। हाँ, एंड्रॉइड जितने ऐप्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उतने ऐप्स की किसी को जरूरत भी नहीं होती। कौन अपनी टीवी में 12,000 ऐप्स डाउनलोड कर रहा है यार। बाकी सारे OTT ऐप्स इस वाली टीवी में आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। वही आगे बात करें, सोनी टीवी में आपको ऑलराउंड 20 वॉट के ही स्पीकर मिलने वाले हैं। चाहे आप 65 इंच का टीवी ले लो, चाहे जितना बड़ा टीवी लो, 20 वॉट के स्पीकर है। और कोई भी डॉल्बी एटमॉस इस वाली टीवी में नहीं मिल रहा है। आप सोचोगे यार प्रीमियम टीवी कैसी डॉल्बी एटमॉस मिला, यही नहीं डॉल्बी विजन भी नहीं मिल रहा इस वाली टीवी में, और 20 वॉट के स्पीकर मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज इस वाली टीवी में ये है कि आपको इसके अंदर स्मार्ट रिमोट भी नहीं मिल रहा, IR रिमोट मिल रहा है, लेकिन आप इसके साथ अलग से मैजिक रिमोट खरीद सकते हो। समझ लीजिए आपको 1500 का अलग से मैजिक रिमोट खरीदना होगा, किसी भी दुकान में खरीद सकते हो जाकर के, या फिर ऑनलाइन भी आप जाके देखोगे, अमेजॉन में मैजिक रिमोट लिखोगे LG का तो बहुत आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगा वहां पे। मैजिक रिमोट LG का बहुत बेहतरीन रिमोट होता है। अब बात करें इस वाली टीवी के बारे में, तो मेन पिक्चर क्वालिटी बताए तो पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतरीन, इसी मारे इस वाली टीवी को प्रीमियम टीवी में चुना जाता है। प्राइसिंग बहुत अच्छी, उसके हिसाब से इसकी कलर पिक्चर क्वालिटी और ज्यादा अच्छी। मतलब आप किसी भी टीवी से देखोगे ना तो इसकी जो कलर पिक्चर क्वालिटी, इतनी ज्यादा कलर डेप्थ, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी रहती है कलर में, नेचुरल कलर पिक्चर प्रोफाइल आपको इस वाली टीवी में बहुत आराम से आपको अवेलेबल हो जाती है। ब्राइटनेस के साथ साथ HDR10+ के जब कंटेंट देखते हो अदर टीवी में, इसके बराबर प्राइस रेंज में कोई भी अदर टीवी में डॉल्बी विजन कंटेंट खोल लो, इसके बराबर उसका डॉल्बी मतलब HDR10+ हो जाता है। इतनी बढ़िया इसके HDR10+ के कंटेंट चलते हैं। मतलब मूवीज देखो, एक्शन फिल्म देखो, न्यूज़ देखो, HD चैनल देखो, डेली सोप देखो, हर मामले में टीवी आपको हमेशा बहुत अच्छी लगेगी।
यही नहीं, आप इस वाली टीवी में गेमिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। गेमिंग कंसोल लगाइए, चाहे आप इसके साथ जो है लैपटॉप लगाइए, गेमिंग लैपटॉप लगा दीजिए इसके साथ। हालांकि 60 हर्ट्ज़ का पैनल है, लेकिन आपको वेरी वेल रिफ्रेश रेट के साथ आता है और HDMI EARC पोर्ट के साथ आता है, HDMI 2.1 का पोर्ट, तो बहुत बेहतरीन है। मतलब ऑलराउंड ये टीवी कुछ मामलों में अच्छी है, कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छी है यार इस वाली टीवी में। तो खरीदना चाहते हैं इस वाली टीवी को LG UR 7500, तो इसकी जो लिंक होगी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसको खरीद सकते हो। अब अगली टीवी आपके लिए कौन सी बताने वाले हैं, वो है सैमसंग क्रिस्टल विविड प्रो। ये टीवी आपको ये पैनल के साथ आती है और सैमसंग की ये 2024 मॉडल टीवी लॉन्च है और ये टीवी आपको थोड़ी सी महंगी मिल जाती है। मतलब प्राइसिंग मुझे 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा ही लगती है सारी टीवी की। 36,000 रुपीज़ की वाली टीवी आपको मिलती है, 43 इंच की साइज लेते हो, भाई 50 इंच का साइज लेते हो सारी टीवी में तो 50 इंच का साइज नहीं मिलता, भाई 55, 65 और 75 इंच का साइज मिलता है, जिनकी प्राइसिंग मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है। बात करिए सारी टीवी की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सारी टीवी में जो है सैमसंग ने अपना रिमोट सबसे ज़्यादा बेहतरीन वाला रिमोट दिया, जो ज़्यादातर आपको 70-80 हज़ार की टीवी में रिमोट मिला करता था। इसके अंदर आपको स्मार्ट रिमोट भी मिल रहा है, ब्लूटूथ रिमोट भी मिल रहा है और साथ साथ में सोलर रिमोट मिल रहा है, मतलब कि आपके कमरे के जो लाइट बल्ब्स होंगे उससे ये रिमोट चार्ज हो जाएगा अगर उल्टा करके रखते हो। और यही नहीं, आपको इसके अंदर सेल लगाने की जरूरत नहीं है, अगर चार्ज भी नहीं हो रहा तो आप इसको टाइप सी चार्जिंग से इसको चार्ज भी कर सकते हो। इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी भी लगी हुई है जो अगले 7-8 साल 10 साल तक बहुत आराम से चलेगी। वही बात किया वाली टीवी के बारे में, तो देखो ये टीवी आपको HDR10+ HDR10 कंटेंट के साथ मिलती है, पिक्चर कोडेक और सारे पिक्चर कोडेक है, बस डॉल्बी विजन नहीं है। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये कि इस वाली टीवी में आपको 4K अपस्केलिंग बहुत बढ़िया मिलती है। यही 4K अपस्केलिंग आपको LG UR 7500 भी मिलती है, वही आपको इसमें सेम मिलती है। मतलब कि 4K अपस्केलिंग इस वाली टीवी की इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप खाली HD कंटेंट देखिए या फुल HD कंटेंट देखिए, उसका रेजुलेशन बढ़ा करके आपको 4K में दिखाएगा, वो भी 99% तक ये चीज़ करने में कैपेबल है वाली टीवी, जो कि बहुत बेहतरीन 95-95% तक वाली टीवी ये चीज़ कर सकती है, आपको 4K अपस्केलिंग दे सकती है। वही बात की जाए आगे इस वाली टीवी के बारे में, देखो 4K अपस्केलिंग तो है ही है, आप इसमें जब मूवीज देखना शुरू करोगे आपको जो सिनेमा हॉल वाला फील मिलता है वो इस वाली टीवी में बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा कलर पिक्चर क्वालिटी के मामले में। आगे बात करें तो साउंड मामले में तो 20 वॉट के स्पीकर है, चाहे जितना बड़ा साइज ले लो, लेकिन हाँ अलग से आप साउंड का सिस्टम आपको खरीदना ही पड़ेगा अगर आपको सिनेमा वाला फील चाहिए, तो यही मैं बता दे रहा हूँ। गेमिंग भी कर सकते हो सारी टीवी में, क्योंकि आपको वेरी वेल रिफ्रेश रेट भी मिलता है और HDMI EARC 2.1 के पोर्ट भी मिलता है और सारे के सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मिल जाते हैं आपको इस वाली टीवी में। बहुत बेहतरीन टीवी है, खरीदना चाहते हो अगर इस वाली टीवी को, तो इसकी जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसको खरीद सकते हो। वहीं अब अपनी प्रीमियम लिस्ट में जो आखिरी टीवी आपको बताने वाले हैं वो है हाइसेंस Q6N। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हाइसेंस Q6N ये QLED टीवी है, इसी के साथ साथ जब प्राइम डे सेल आने वाली है जो 2021 को आएगी, उसमें आपको एक और टीवी मिल जाएगी इसकी, हाइसेंस E68N। मैं बोलना चाहूँगा वो ये टीवी और वो टीवी बिल्कुल लगभग 90% तक सेम टीवी है, तो ये टीवी लीजिए चाहे वो टीवी लीजिए, बस फर्क ये है दोनों टीवी में कि जो साइज आपको E6N में मिल जाएगा, E68N में मिल जाएगा, वो आपको इस वाली टीवी मिलेगा, जो साइज इसमें वो साइज इसमें नहीं, जो साइज इसमें वो साइज इसमें नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा यार, जाकर के देख लीजिएगा। बात कीजिए अगर हाइसेंस Q6N की, तो यार ये हाइसेंस ने बिल्कुल मतलब मैजिक काम किया यार इस बार, जो कलर पिक्चर क्वालिटी आपको इस वाली टीवी मिलती है वो भी QLED पैनल टीवी के साथ बहुत बेहतरीन, मतलब कि आपको ये टीवी आपको 50 इंच के साइज में आती है हाइसेंस Q6N 50 इंच, उसके बाद सीधे 65 इंच और 75 इंच का साइज आपको सबसे बड़ा साइज मिल जाएगा। 50 इंच का प्राइसिंग यही आपको खाली अभी शो हो पाएगी, क्योंकि बाकी प्राइसिंग अभी हाइसेंस ने दिखाई नहीं, हो सकता सेल में दिखाएंगे। तो एक ही साइज में, हालांकि ये टीवी अभी प्रेजेंट टाइम में है वो है 40,000 रुपीज में 50 इंच की टीवी, QLED टीवी है और गूगल एंड्रॉइड टीवी आती है। इस वाली टीवी में आपको बता दूं तो इसमें आपको 400 निट्स की टॉप ब्राइटनेस मिल जाती है खाली 40,000 रुपीज में, और किसी किसी मामले में 400 निट्स से भी ऊपर की ब्राइटनेस मिल जाती है, इतनी ज्यादा बढ़िया बेहतरीन ब्राइटनेस मिलती है आपको इस वाली टीवी में। मतलब आप जब इस वाली टीवी को यूज करोगे, आपको फुल सिनेमा वाला फील चाहिए, एक शब्द में कहेंगे यारी टीवी अपने घर में लाइए, बहुत मजा आएगा आपको इस वाली टीवी में, क्योंकि हाइसेंस ने यार मैजिक किया है, इतनी बढ़िया कलर पिक्चर क्वालिटी हाइसेंस ने कर दी है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बढ़िया टीवी आखिर बनाई कैसे हाइसेंस ने। और हाइसेंस देखिए कोई छोटा मोटा ब्रांड तो है नहीं, ग्लोबली नंबर 2 पे सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है टीवी के मामले में, तो इतना बड़ा जब ब्रांड है तो यार ये सब चीज़ें तो उसके लिए आसान बात है। वही बात की चलिए टीवी के, आगे बात की तो चलिए टीवी में आपको 24 वाट के डॉल्बी एटमॉस स्पीकर मिल जाते हैं, चाहे जितना भी बड़ा साइज ले लो, वही आपको डॉल्बी एटमॉस स्पीकर मिलते हैं, लेकिन आप अलग से डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर लगा भी सकते हो। वही बात की आगे तो इस वाली टीवी में आपको 2GB रैम 16GB स्टोरेज और बहुत बढ़िया प्रोसेसर मिल जाता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन डिजिटल रिफ्रेश रेट है, मतलब जब गेमिंग करोगे तो डिजिटली रिफ्रेश रेट बढ़ेगा, तो हाँ हालांकि ओरिजिनल जो 120 हर्ट्ज के पैनल होते हैं वैसा फील तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ तब भी आपको एक अच्छा फील आएगा गेमिंग के मामले में। वही बात की जाए आगे इस वाली टीवी की,
तो एंड्रॉइड गूगल टीवी तो सारे के सारे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो इस वाली टीवी में। तो आपको ऑलराउंड अगर कंक्लूजन दे इस वाली टीवी के बारे में, तो यार देखो मूवीज के मामले में, न्यूज के मामले में, अगर आपको चाहिए एक सिनेमा वाला फील चाहिए, तो इसका टीवी लेकर जाइए घर में और इंजॉय करिए। बिल्कुल मतलब अनक्रेडिबल टीवी है, मतलब क्या बोला जाए, टीवी बहुत बेहतरीन, जो प्राइसिंग इसके साथ बहुत बेहतरीन टीवी है। एक ही साथ में कहेंगे खरीदने जाते हैं सॉरी टीवी को, तो बिल्कुल जाकर और बिल्कुल जाकर अगर टीवी अपने घर पे लेकर के बहुत ज्यादा मजा आएगा। खरीदने जाते हो सॉरी टीवी को हाइसेंस Q6 N को, तो इसकी जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर खरीद सकते हो। और हाइसेंस E68 N की भी लिंक अभी डाल देंगे, लेकिन वो सेल में आपको वाली टीवी ओपन होगी क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हो रही, ठीक है। हाँ तो गाइस अब देखो आपको मैंने तीनों सेगमेंट बता दिए, बट रुको अभी एक टीवी आपको और बतानी है, चिंता मत करिए। आपको मैंने बजट रेंज की टीवी बताई, मिड रेंज की टीवी बताई और प्रीमियम रेंज की टीवी बताई, बट प्रीमियम रेंज से भी एक और टीवी आपको उसके ऊपर बताने वाला है, मतलब कि थोड़ी सी प्राइसिंग ज्यादा है, इसीलिए हमने अपनी लिस्ट में उसको नहीं चुना है। मतलब लगभग 10,000 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ सकते हैं, 10 से 12,000 रुपए। बात की जाए तो सोनी ब्राविया 2, ये टीवी आपको सोनी ब्राविया 2 जो है आपको S20B मॉडल इसका मिल जाएगा, जो कि आपको दो साइज में आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, 43 इंच और 50 इंच। S20B का दो सोनी ब्राविया 2 में जो छोटे साइज की टीवी, उसके बारे में बात बता रहे हैं आपको। बात की सॉरी टीवी की, जो दो साइज में टीवी आ रही है, जैसे कि 43 इंच की टीवी लोगों को तो लगभग 42,000 की मिल जाएगी, 50 इंच की टीवी लोगों को तो लगभग 56,000 की मिल जाएगी। प्राइसिंग ज्यादा है लेकिन ये टीवी वैल्यू फॉर मनी है। ये टीवी आपको IPS पैनल के साथ आती है और बहुत बेहतरीन ब्लैक्स भी मिलते हैं। IPS होने के बावजूद इस वाली टीवी में जो आपको ब्लैक्स मिलने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन मिलने वाले हैं। ये टीवी खासकर उनके लिए है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, जिनको कलर पिक्चर क्वालिटी से मतलब है, उनको मूवीज चाहिए, सिनेमा वाला फील चाहिए, बिल्कुल 100% सिनेमा वाला फील चाहिए, आप तभी वाली टीवी अपने घर में लेकर के, नहीं तो जितनी टीवी पिछले दिन वो सारी सीवीटी अच्छी ही थी। ये टीवी जो सोनी ब्राविया टीवी है, खासकर आपको मूवीज का फील चाहिए, आप खाली कोई भी फिल्म इसमें लगाइए, आप बैठे रहोगे, आप हटोगे नहीं अपनी चेयर से, इतना बढ़िया कलर पिक्चर क्वालिटी, जो नेचुरल कलर पिक्चर प्रोफाइल है वो सोनी ही दे पाता है, इतनी बढ़िया कलर पिक्चर प्रोफाइल इस प्राइस रेंज पे। ये आपको इस वाली टीवी में जो सोनी के जो लाइव कलर है वो भी आपको इस वाली टीवी के अंदर मिलने वाले हैं, और साथ साथ में आपको पहली बार इतने कम प्राइस में सोनी में ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलने वाला है, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हो HDMI EARC पोर्ट के थ्रू। आपको HDMI 2.1 का पोर्ट भी मिल जाता है। स्पीकर्स के मामले में खाली 20 वॉट का ही स्पीकर है, यार ये थोड़ी सी मुझे कमी लगती है सोनी, पता नहीं क्यों, चाहे आप 1,00,000 की टीवी ले लो 20 वॉट के स्पीकर देने वाला है, सोनी सैमसंग LG यही करते हैं, तो आपको अलग से साउंड बार सिस्टम खरीदना ही पड़ेगा। बाकी लेकिन ऑलराउंड बोले तो बहुत बेहतरीन टीवी है, कलर पिक्चर क्वालिटी वाले में 4K आप स्केलिंग इस वाली टीवी में सबसे बेहतरीन है, मतलब जितनी भी पिछली टीवी बताई है, चाहे सैमसंग हो, चाहे LG हो, चाहे Xiaomi हो, उन सबसे बढ़िया 4K आप स्केलिंग आपको इस वाली टीवी मिल जाती है, मतलब इतनी बढ़िया 4K आप स्केलिंग करता है टीवी। आप HD कंटेंट भी देख रहे हो तो लगेगा आप 4K कंटेंट देख रहे हो इस वाली टीवी में, इतनी बढ़िया 4K स्क्रीन वाली टीवी आपको दे पता लगता है कि 100% मैं 4K कंटेंट ही देख रहा हूं इस वाली टीवी में। तो कलर पिक्चर क्वालिटी के मामले में, साउंड के मामले में, कलर पिक्चर ट्यूनिंग के मामले में, सर्विसिंग के मामले में आपको पता ही है सोनी कितनी ज्यादा बढ़िया है यार, मतलब विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको सर्विसिंग प्रोवाइड कराएगी वाली टीवी। तो ऑलराउंड बहुत बेहतरीन टीवी है, खरीदना चाहते हो अगर इस वाली टीवी को सोनी ब्राविया 2 के दोनों छोटे मॉडल 43 इंच और 50 इंच के मॉडल खरीदना चाहते हो, तो इनकी जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर आप इस वाली टीवी को खरीद सकते हो। हाँ तो गाइस यहाँ पे मेरी सारी की सारी टीवियाँ खत्म होती हैं, बजट रेंज, मिड रेंज और प्रीमियम रेंज, और एक और जो आपको अपर प्रीमियम रेंज की टीवी बताई वो सोनी ब्राविया 2 है। सभी की सभी टीवियों की जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप खरीद सकते हो। और यहाँ तक अगर आ ही गए हो तो एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी कभी जाकर सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि यार आपको पता ही है मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। इतनी बड़ी वीडियो जो बनाई है ना, ये एक दिन की बात नहीं है, कई दिनों की रिसर्च है, 2-3 महीनों की रिसर्च होती है, हर एक टीवी को लाते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं उनको, हर टीवी को 6-6 घंटे 7-7 घंटे टेस्टिंग चलती है, तब जाकर के उस टीवी को अपनी लिस्ट में लिखते हैं। और जितनी टीवी आपको बताएं, खाली इतनी ही टीवी नहीं सेलेक्ट होती भाई साहब, उसमें कम से कम 30-40 टीवी हम लोग को देखनी पड़ती है, तब जाकर के आपको इतनी कम टीवियाँ जो है 7 TV 8 TV आपको बता पाते हैं। इसीलिए आपसे इसके बदले में एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे बहुत ज्यादा हौसला मिलेगा आपके लिए अगली वीडियो और बेहतरीन लाने की कोशिश करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब चैनल अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त यार सबको शेयर जरूर करिएगा। वही साथ साथ में अगर आपको कोई भी टीवी खरीदनी, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, सभी टीवियों की जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर के अपनी मन पसंदीदा कोई भी टीवी कर सकते हो, किसी भी साइज में कर सकते हो, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी दी हुई लिंक से अपनी परचेज को पूरा करिएगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने किसी भी कंपनी से पैसा नहीं लिया कि लो भाई उत्कर्ष पांडे पैसा ले लो मेरी टीवी के बारे में खूब ज्यादा बढ़ाई कर दो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करता, मैं कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बनाता। इसके बदले में मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं, प्लीज मेरे लिंक से अपनी परचेज को पूरा करिएगा, उससे मुझे छोटा सा पैनी अमाउंट मिल जाएगा और आपको सिंगल रुपए भी एक्स्ट्रा देने होंगे, इसलिए प्लीज बाय फ्रॉम माय लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए मेरे को यही इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय।